आजकल स्टोरी में कुछ भी चल रहा है। चेक के बारे में बताया गया है और सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा दिखाया इन्होंने, मेड इन चाइना ही जैसी लगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मौनी राय ने भी अच्छी एक्टिंग की है, हालांकि उनके ओंठ बहुत बड़े बाहर लगे। बहुत अच्छी तो नहीं होंगी, एवरेज लगी। अच्छी लगी मुझे पिक्चर, अच्छी लगी। राजकुमार राव की एक्टिंग अच्छी है, मौनी राय ने भी अच्छा काम किया है। ओके, टिक टिक। फिल्म मेरे को अच्छी लगी, अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी दिनेश विजन की सारी फिल्में अच्छी होती है। मेड इन चाइना ही जैसी लगी, सस्ता सुंदर टिकाऊ काइंड ऑफ, जिसमें मतलब भरोसा नहीं कर सकते आप कब तक टिकेगी, कब तक आप उसमें हंस पाओगे। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि फिल्म में बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी मैं। राजकुमार राव की स्त्री का हैंगओवर लेकर गई थी, मुझे लगा उसके एक्सटेंशन में। राजकुमार राव मुझे बहुत पसंद है तो मुझे लगा कोई अच्छी फिल्म होगी उन्होंने की है। और फिल्म अगर दो लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो मुझे अच्छी भी लगी, मगर उस दो लाइन का जो रायता उन्होंने पूरी फिल्म में बना दिया ना, जो उनसे समेटा नहीं जा रहा था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैसे बोलूँ, मूवी का जैसे टाइटल है मेड इन चाइना, तो आप वैसे ही मान के चलो कि चाइनीज मूवी ही है, जिससे ज़्यादा आप जैसे चाइना प्रोडक्ट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो अगर देखने आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर बिल्कुल भी मत आओ। कंसेप्ट, पहली बात तो इस कंसेप्ट पे बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं। आयुष्मान ने कई फिल्में लाई हैं, पिछले दिनों खानदानी शफा खाना आया था, तो ये कंसेप्ट हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो आप इस कंसेप्ट को फिर तभी लेकर आइए जब आपके पास कुछ बहुत अलग हो कहने को, वरना अब आप इस कंसेप्ट पर ना ही बात करें तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। कौन सा राजकुमार का? राजकुमार राव, परेश रावल का नाम अच्छा है। कोई पूड़ी तलते तलते चांद पे पहुंच जाता है, कोई थेपला बेचते बेचते कुछ और बेच के चाइना पहुंच जाता है। आजकल स्टोरी में कुछ भी चल रहा है। इंटरेस्टिंग है, ओवर एंड ऑल जो पकड़ के रखा है वो ग्रिप अच्छा है पिक्चर का, जबकि कहानी में दम नहीं था। एक्टर सब लोग अच्छी एक्टिंग किए, खासतौर पे राजकुमार राव और बोमन ईरानी, दोनों ने पूरी पिक्चर को अच्छे से उठाया है। छोटे छोटे आर्टिस्टों ने भी अच्छा काम किया है। सेक्स के बारे में बताया गया है और सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा दिखाया है इन्होंने, कि कोई ऐसी सेक्सी दवाई नहीं डाली, एक सिंपल दवाई खाने से भी आदमी सब कुछ ठीक हो सकता है। इंटरवल तक फिल्म कहीं स्टार्ट ही नहीं होती, वो भूमिका ही बांध रहे हैं और सेकेंड हाफ में फिर फिल्म पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। अननेसेसरी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतने कैरेक्टर कोई इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। अच्छे एक्टर्स लिए, उनके कोई सीन्स ही नहीं है, और फिल्म में क्या फोकस है कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ खास नहीं लगी। जैसे निकलने का मन करता है वैसे किसी किसी की एक्टिंग थोड़ा अच्छी लगती है, तो लगता है चलो ठीक है देख लेते हैं, अभी आगे कुछ अच्छा मिलेगा। उस चक्कर में पूरी मूवी खत्म हो जाती है। एक्टिंग अच्छी है सबकी, राजकुमार राव बहुत सही लगे हैं हमेशा, हर फिल्म में वो अपना 100% देते हैं, इसमें भी उन्होंने दिया है। बोमन ईरानी है, उनका किरदार काफ़ी अच्छा है। मौनी रॉय के पास करने को बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि बोमन ईरानी और राजकुमार राव ने मिलकर फिल्म को उठाया है, चलाया है। राजकुमार राव की एक्टिंग अच्छी है, मौनी राय ने भी अच्छा काम किया है। इंटरवल से पहले थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन इंटरवल बाद जो है अच्छी लगी फिल्म। एक्टिंग भी ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करने जैसा था ही नहीं कि बुरी तो कोई नहीं है, कुछ डायलॉग वगैरह कुछ ऐसे है, लोग इन्जॉय करते हैं, इसको बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा, राजकुमार राव की एक्टिंग, इवन परेश रावल का थोड़ा सा ही रोल है पर उनका भी एक्टिंग बहुत अच्छा है, तो एक्टिंग वाइज सारे एक्टर्स ठीक थे, बट डायरेक्शन और स्टोरी लाइन और पंच लाइन तीनों खराब थी। मौनी राय ने भी अच्छी एक्टिंग की है, हालांकि उनके ओंठ बहुत बड़े बाहर लगे, लिप जॉब उनका इस फिल्म के लिए सुटेबल नहीं था, पर मुझे वो बतौर एक्टर मुझे पसंद है। राजकुमार राव की मैं बड़ी फ़ैन हूँ, बोमन ईरानी की फ़ैन हूँ, तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। बाकी एक्टर्स भी अच्छे थे, हमारा दस्तूर को वेस्ट करने के लिए लिया गया था, हार्डली एक डायलॉग था उनका, मुझे लगा उनके भी दो चार डायलॉग्स होते तो शायद इतने लंबे रायते में खप जाता। अच्छी बातों की बात करूँ तो एक्टिंग वैसे देखा जाए तो ओवरऑल सबकी सही थी। इतने बड़े बड़े एक्टर थे, उनको स्पेस नहीं मिला, और जिस तरह से उनसे एक अच्छी एक्टिंग की उम्मीद की जा सकती थी, वो भी उनको एक, क्योंकि एक स्पेस नहीं मिला, वो उतना ज़्यादा उनको स्क्रीन स्पेस नहीं मिला, उसकी वजह से वो इतना अच्छा कर नहीं पाए। दो
राजकुमार राव की एक्टिंग के लिए? 5 में से मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। 5 में से 2.5। मैं इसमें से 3 स्टार दूँ। 2 स्टार। मैं इसको 5 में से 2.5 स्टार दूंगी। मैं इसको 1.5।